हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया गरीब हुसैन और मैं चाहती हूं कि आज खुदा के कलाम की बातें आप तक शेयर की जाए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यीशु की पैदाइश। मेरे साथ निकालिएगा लूका उसका 2:8-15 तक में पढ़ती हूँ कि इस हवाले से हमें क्या सबक मिल रहा है। इसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गन्ने की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चेहरे पर चमका और वो नहाय डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनुजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा है। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चढ़ने में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह जो खुदा की हंग करती और ये कहती जाहिर हुई कि आर्मी वाला पर खुदा की पहुंची थी और जमीन पर उन आदमियों ने जिनसे वो राजी हैं सुना। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि जवाहों ने आपस में कहा, आओ बैत लहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखिए। खुदावन का पाक नाम पड़ा हम सबके लिए भाई से बरकत का वसीला बने। मेरे अजीजो, आज जो मैं खुदा के पाक नाम से पढ़ा कि आयत नंबर 14, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी हैं सुलह। इस हवाले से हमें क्या लेसन मिलता है, क्या हमें सबक मिल रहा है? कि हमें यही सबक मिलता है कि हम आपस में सुलह सलामती से अपनी जिंदगियां गुजारें। ऐसा नहीं कि हम बहुत आलीशान घरों में रहते हैं और आलीशान कपड़े पहनने से हमारा क्रिसमस होता है। हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत रखने की जरूरत है। अगर हमारी जिंदगियों में, अगर हमारे दिलों में अंदर नफरत है, नाराजगी है, तो सबसे पहले हमें ये खत्म करने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को पाक साफ बनाएं और क्रिसमस के मौका पर बल्कि पूरी जिंदगी हम खुदा के नाम को जलाल दें और अपनी जिंदगियों को पाक साफ करें, अपनी जिंदगी से नाराजगियों को ख़त्म करें, गिले शिकवे इस तरह की सारी बैड करप्शन ख़त्म करें और फिर हमारा एक अच्छा क्रिसमस होगा जब हम अपनी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, हमारे किरदार से उसका प्यार जाहिर होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ो, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ सुलह सलामती से रहें। तो गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल।